तो दोस्तों मेरी रिसेंटली पिछली वीडियोस पे एक कमेंट आया हुआ था भाई का कि भाई चिक्स की फास्ट ग्रोथ के बारे में एक वीडियो बना दें कि एक फास्ट ग्रोथ कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये रही वो डाइट जो मैंने रख ली थी पहले से ही बना के। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है वो मेरी अपने मतलब शौक के हवाले से नहीं है, घर का शौक जो है वो इंशाल्लाह मैं कल की वीडियो में भी दिखा दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है ना वो है मेरी इंफॉर्मेटिव, एक ऐसा क्वेश्चन जो मैंने अक्सर लोगों को करते हुए देखा है अपने चिक्स के बारे में। जो लोग अपने चूज़े वगैरह लाते हैं, चाहे वो फार्मी हो, देसी हो, दोस्तों असील हो, वो उन चिक्स उन चूज़ों के लिए ना बहुत परेशान रहते हैं। उनका एक ही सवाल होता है काफ़ी लोगों का कि यार हम चाहते हैं कि हमारे जो चूज़े हैं वो जल्द ग्रोथ करें, वो जल्दी बड़े हों, जल्द से जल्द अच्छी ग्रोथ करें। तो दोस्तों मेरी रिसेंटली पिछली वीडियोस पे एक कमेंट आया हुआ था भाई का कि भाई चिक्स के बारे में, चिक्स की फास्ट ग्रोथ के बारे में एक वीडियो बना दें कि एक फास्ट ग्रोथ कैसे करते हैं और क्या फार्मूला है वो। तो दोस्तों मैंने सोचा कि आज इस बारे में बता देता हूँ। तो आज की वीडियो है दोस्तों वो मेरी इसी बारे में है कि जो हमारे चिक्स होते हैं चूज़े, उनको बड़ा करने का तरीका क्या है। तो साथ रहिए, और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पर नया है वो इस चैनल को लाइक कर दें और मेरे चैनल घर में शॉप को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी कोई भी इंफॉर्मेटिव और इंटरटेनिंग वीडियो से पीछे ना रह सकें आप लोग। तो चलें दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँगा चूज़ों की ग्रोथ के बारे में कि जो चूज़े होते हैं, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि इनकी ग्रोथ सिर्फ खाने पीने की नहीं होती है दोस्तों, इनको खुला माहौल चाहिए होता है, घूमना फिरना। एक तो दोस्तों बात करूँगा कि काफ़ी भाइयों का ये होता है कि यार हमारे चूज़ों को हमने बंद रखा हुआ है, सब कुछ दे भी रहे हैं, फीड भी दे रहे हैं, पर भी उनका साइज़ बढ़ नहीं रहा और वो बीमारी की लपेट में आ जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली वजह है आप अपने चूज़ों को बंद बहुत रखते हैं और उनको खोलते नहीं हैं, तो उनको एक्सरसाइज नहीं मिलती है, उनको चलने का मौका नहीं मिलता ज़्यादा, वो पिंजरे में बंद 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 बीमार ही होंगे। तो दोस्तों कोशिश करा करें कि वो आपके चूज़े हैं, आपके चिक्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा खुला छोड़ें। और एक और चीज़ दोस्तों कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि गांव गोट विलेज हो गए तो इन जगहों पे जो चूज़े वगैरह होते हैं वो चलते फिरते बड़े हो जाते हैं। लोग देखते हैं कि यार ये चूज़े तो इतनी जल्दी ग्रोथ कर रहे हैं, इतनी जल्दी बड़े हो रहे हैं और ऐसे इन्वायरमेंट में हो रहे हैं खुल्लम खुल्ला। तो दोस्तों वो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता है उनके लिए, क्योंकि दोस्तों वो बाहर से जो है अपनी खालिस गिज़ा ले रहे होते हैं, अपनी खालिस जो उनके मिनरल्स प्रोटीन होते हैं उनको मिल रहे होते हैं, क्योंकि मिट्टी में जो होते हैं बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो खा पी रहे होते हैं और उससे उनके मिनरल्स प्रोटीन वो सब उनको मिल रहे होते हैं डायरेक्टली। तो दोस्तों वो लाइफ फूड कहलाता है उनका, जो कि उन्हें बाहर से मिलता है उसे लाइफ फूड कहते हैं, जो ये कीड़े मकोड़े भी खा लेते हैं, तो उससे उनकी हेल्थ अच्छी रहती है। तो अगर आप लोगों के पास कच्ची जगह है तो दोस्तों बाहर छोड़ दिया करें, तो इससे बेहतरीन हल कोई भी नहीं है, ना आप लोगों को फीड की ज़रूरत पड़ेगी उन्हें देने की, ना कोई ज़्यादा चीज़ की, ना ज़्यादातर अगर आप घर का खाना देंगे तो वो उसी पे पल के अच्छे हेल्दी हो जाएंगे। पर दोस्तों ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा अच्छी है जो भाई घरों में पालते हैं, छत पे मुर्गी पालन का सेटअप करके बैठे हुए हैं एक बड़ा, तो उनके लिए बहुत वीडियो अच्छी होने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं डाइट में आप लोगों को दिखाता चलूँ। तो दोस्तों ये रही वो डाइट जो मैंने रख ली थी पहले से ही बना के, तो इसको नहीं दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी। तो दोस्तों ये जो है हमारे पास ये है पानी में भीगी हुई रोटी, तो काफ़ी देर हो गई है इसको भीगे हुए, तो ये थोड़ी सख्त हो गई है वरना मेल्ट हो जाती है। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है दोस्तों, सुबह के टाइम जो इनको देना है वो ये खुराक है इनकी, चिक्स को जो देना है अपने, पानी में भीगी हुई रोटी देनी है दोस्तों आप लोगों ने, ऐसी होगी बिल्कुल एक रोटी दे दें, अगर ज़्यादा चिक्स हैं बहुत ज़्यादा 20-25 तो उनको दो रोटी में दे दें दोस्तों। आपने ये रोटी पानी में भिगो के, और एक ये साइड में आप देखें वो आ रहा होगा आपके पास, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, ख़त्म हो गया था, इस वजह से मैंने तस्वीर दिखा दी, विटामिन का एक साशा आता है जो आपको किसी भी पोल्ट्री फॉर्म से मिल जाएगा, किसी भी पोल्ट्री मेडिकल से मिल जाएगा ईज़िली। तो वो आपने इसके अंदर मिक्स करना है, इसको अच्छे से मेल्ट करना है और दोस्तों अपने चिक्स को सुबह की खुराक में ये रोटी दे देनी है उसे मिक्स करके। दोस्तों अगर आपके करीब से कोई भी विटामिन का साचा मिले, कोई भी पोल्ट्री से कोई सा भी विटामिन का साचा मिले आप वो मिला सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो मैं दिखा रहा हूँ वो दें, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो सुबह की खुराक में आपने उनको ये देना है। उसके बाद दोस्तों आती है दोपहर की बात,
तो दोपहर में जो है आपने दोस्तों वो इनको देना है ये दोस्तों दाना जो सभी ज़्यादातर लोग यही खिलाते हैं दाना। तो दोस्तों दाने का क्या है कि आप जब इनको वो दे देंगे सुबह की ग़िज़ा में ये रोटी, तो काफ़ी भारी हो जाएगा। तो दोस्तों दोपहर की ग़िज़ा में आपने इनको ये देना है दाना, हल्का फुल्का डाल दें ताकि ये हो कि उनके जो पेट खाली होंगे तो वो ज़्यादा खाली नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने पहली रोटी खाई होगी, तो ये दे दिया करें। तो इससे ये होगा दोस्तों उनका बचा खुचा जो होगा दोपहर का वो थोड़ा बहुत उनका पेट फुल हो जाएगा और इससे होगा कि उनका पेट खाली नहीं रहेगा। तो हल्का सा दाना डाल दें दोस्तों सारे चिक्स को। अब बात आती है दोस्तों शाम की डाइट। तो दोस्तों शाम की डाइट में जो आपने क्या करना है, आपने यही रोटी लेनी है दोस्तों, एक पानी में भीगी हुई दोस्तों रोटी लेनी है। इसके अंदर आपने क्या करना है दोस्तों, इसके अंदर आपने ये मिलानी है फीड। ये दोस्तों आपने फीड मिलानी है इसके अंदर ऐसे, और इसको मेल्ट कर लेना है अच्छे से। ये देखें आप जब ये मेल्ट कर लेंगे, मेरी रोटी थोड़ी सख्त हो रही है, आपने क्या करना है 5 मिनट सिर्फ पानी में भिगोनी है रोटी दोनों तरीकों में सुबह और शाम की डाइट में। 5 मिनट बाद रोटी आप देखेंगे बिल्कुल मेल्ट होने लगेगी। उसमें आपने सुबह की खुराक में जो है विटामिन मिला देना है वो साशा, और शाम की खुराक में जो है आपने ये फीड मिला देनी है। ये 11 नंबर की फीड है दोस्तों, देख लें एक मरतबा, आप लोगों को करीब से दिखा दूँ दोस्तों। ये फीड आती है, ये 11 नंबर की फीड आप बोलेंगे वो आपको दे देगा कोई भी दुकानदार। तो दोस्तों 11 नंबर की फीड ऐसे मिला के आपने उनको दे देनी है। एक मरतबा और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सुबह की खुराक में आपने यही रोटी देनी है विटामिन के साथ, वो साशे के साथ। दोपहर में आपने जो है ये देना है दाना थोड़ा सा हल्का फुल्का, और जो रात में है वो आपने इसी पानी की भीगी हुई रोटी के साथ एक फीड डाल के दे देनी है, 11 नंबर वाली फीड। तो दोस्तों जब आप ये सारा उनको खाना देंगे तो इंशाल्लाह ये मेरी गारंटी है कि इनका जो वेट है ना दोस्तों वो 25 दिनों के अंदर अंदर तकरीबन आधा पाव बढ़ जाएगा। तकरीबन दोस्तों आधा पाव इजीली बढ़ेगा जो आपके छोटे चिक्स होते हैं बच्चे दोस्तों। पर ये आपने लगातार देना है, ये मैं बता दूँ, ये जो आपने करना है ये आपने करना है तकरीबन 25 से 30 दिन तक आपने लाजमी इनको ये खुराक देनी है, तब इनका वेट बढ़ेगा। हो सकता है आधा पाव से ज़्यादा भी बढ़ जाए दोस्तों, ये तो मैं बोल रहा हूँ कि आधा पाव बढ़े, हो सकता है आधा पाव से ऊपर भी बढ़े, और लाजमी हो सकता है ये चीज़, गारंटी है इस चीज़ की दोस्तों। पर आप लोगों ने उनका ख्याल रखना है, उनको टाइम टू टाइम खोलना है। ये चीज़ भी बोलूँगा कि अगर आपके पास कच्ची जगह भी है छत पे पाले में तो उनको खोला करें, थोड़ा घूमने फिरने दिया करें ताकि उनकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो दोस्तों। सिर्फ खिलाने पिलाने से काम नहीं चलता, उनको खोला भी करें ताकि वो जो हैं चूज़े वो अपनी ग्रोथ अच्छे से कर सकें। बाकी दोस्तों ये जो तरीका है वो मेरा आजमूदा है, आपको याद होगा हम कंधारी नस्ल के बच्चे लाए थे, मेरी पिछली वीडियोस में आपको दिख जाएगा, उन्हें तकरीबन 1 मंथ हो गया मेरे पास, और ये रहे अभी ऊपर, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखें दोस्तों माशाल्लाह से ये देखें, इस बच्चे ने अपना अच्छा खासा साइज गेन कर लिया है दोस्तों। काफ़ी छोटे बच्चे आए थे दोस्तों ये हमारे पास, आप लोगों को याद होगा बहुत छोटे छोटे से हम लाए थे, और माशाल्लाह 1 महीने में इनको मैंने डाइट दी है, और जबकि भरपूर डाइट भी मैं दे नहीं पाया हूँ दोस्तों क्योंकि कई कामों के सिलसिलों में लगे होने के चक्कर में तो मैं इनको सही तरीके से नहीं दे पाया जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो मैं यही बोल रहा हूँ 25 दिन आपने इनको लगातार ये देनी है दोस्तों। यह डाइट जो आप लोगों को मैंने बताया बहुत अच्छी डाइट है, आप लोग कीजिएगा इंशाल्लाह आपके जो चिक्स होंगे वो बहुत जल्दी फास्ट ग्रोथ होगी उनकी, और बहुत अच्छी ग्रोथ होगी इंशाल्लाह दोस्तों, मेरी गारंटी है। और अगर आप लोगों के जहन में कोई सवाल है बर्ड्स के हवाले से या फिर मुर्गियों के हवाले से दोस्तों, कोई भी सवाल हो तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा या फिर आप लोग को कमेंट बॉक्स में जवाब भी दे दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल गर्मा शॉप को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय।